हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लनव्रदवन विद पी एस अजमेर की तरफ से फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर रोल नंबर जो है वह भी आ चुके हैं तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था लेक्चरार में बायोलॉजी में तो आप लोग जो हैं वो अपना देख सकते हो रिजल्ट ठीक है तो अपना रोल नंबर यहाँ पर देख सकते हो और साथ में कट ऑफ जो है वह भी साथ में आ चुकी है तो सभी जो है चाहते भी ये थे कि सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आए फिर सेकेंड ग्रेड का और उसके बाद थर्ड ग्रेड का ताकि थर्ड ग्रेड के बच्चे जो हैं उनका जो है टीचर बनने का सपना पूरा हो सके जो भी बॉर्डर लाइन पर आएंगे जो सोचते हैं कि हो सकता है कि हमारा जो है नंबर ना आए ठीक है तो उनका आ जाएगा यदि इसी तरीके से जो है रिजल्ट जारी हो जाएंगे और जो लगता भी है और बिल्कुल पूरी पूरी संभावना ही है कि अब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे जो है आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप जो है वो अपना देख सकते हैं जिन्होंने भी बायो में पेपर दिया था तो वो अपना रोल नंबर जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये है कट ऑफ ठीक है तो कट ऑफ जो है वो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा सकते हैं जैसे कि रीड में या सेकंड ग्रेड में कि कट ऑफ जो है वो कितनी जाने वाली है यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ़ है वो दो सौ बहत्तर पॉइंट जीरो नौ ये है ठीक है ई की जहाँ पर हम देखते हैं दो सौ छियालीस पॉइंट तीन तीन है एस की आप देख सकते हो दो है ठीक है तो इस तरीके से जो है वो कट ऑफ दी गई है तो जिन्होंने भी एग्जाम दिया है बायो का तो वो अपना रिजल्ट जो है वो अच्छे से देख सकते हैं और धीरे धीरे जो है वो सभी के रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें और जिस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है उसी तरीके से जो है वो आपका रिजल्ट भी आएगा ठीक है और आज जो है जिस तरीके से सभी ने मिलकर जो है सहयोग किया और उसी वजह से ये हो पाया है कि रिजल्ट जो है यदि हम जो है वो दबाव बनाते हैं ठीक है और दबाव बनाकर जो है हम ये करवा सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाए ताकि थर्ड ग्रेड के बच्चों को जो है यहाँ पर फ़ायदा हो सके तो ये सब एकता की वजह से हुआ है जिस तरीके से स्टूडेंट ने जो है आर अजमेर के बाहर जाकर जो है अपनी बात जो है वो रखी है और उसी वजह से जो है वो रिजल्ट भी इतनी जल्दी आना स्टार्ट हो गया है तो आप सभी जो है वो एक दूसरे का सहयोग करें ताकि जिन बच्चों का जो है टीचर बनने का सपना जो है वो पूरा हो सकता है और एक दो मार्क्स से रह जाते हैं वो लोग तो वो ना रहें ठीक है और सभी का नंबर आ जाए तो इसी तरीके से जो है जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे मैं आप लोगों को जो है चैनल के माध्यम से बताती जाऊंगी और बाकी जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल के माध्यम से तैयारी करते रहें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू